यूपी के हाथरस भगदड़ केस में बाबा के बचाव पर कई गंभीर सवाल गहराते जा रहे हैं। बाबा इस पूरे केस से किनारे कैसे और क्यों हैं? ये सवाल बहुत मायने रखते हैं। कहीं इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों की वोट बैंक की राजनीति तो नहीं है? अगर ऐसा है तो 100 से अधिक बेकसूर मौतों पर हो रही राजनीति हत्या से अधिक क्रूर है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा राष्ट्रीय राजनीति में मानवीय संवेदनाएं पूरी तरह से मर चुकी हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक लोग कुर्सी के लोभ में लाशों पर से चढ़कर निकल जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि आज के राजनीतिक आकाओं से इंसाफ की उम्मीद लगाना सरासर बेईमानी हो चुकी है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि कयामत आने में महज कुछ ही समय बाकी है। यूपी के हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मचने और लगभग 123 लोगों की मौत होने की घटना पर राजनेताओं के दौरे और बयान अभी भी लगातार जारी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद ने हाथरस भगदड़ केस पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को जमकर घेरा है। हाथरस में हुई भगदड़ की घटना पर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, हाथरस की घटना बहुत दुखद है। इस मामले में राजनीति की जरूरत नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। जब इस बात की जानकारी थी कि उस स्थान पर कार्यक्रम होना है तो उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर भीड़ ज्यादा हो गई थी तो एंट्री बंद कर देनी चाहिए थी। इस घटना के लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने जो मुआवजे की घोषणा की है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो भाई भीड़ जब आ गई जितना कहा उससे ज्यादा तो बैरियर लगा जाना चाहिए था, एंट्री बैन कर देना चाहिए। ये पूरी तरह से 100% गवर्नमेंट इज 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस दुखद घटना के लिए। इसके अलावा अभी कुछ ही वक्त पहले पीड़ितों से मिलने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर हादसे के पीड़ितों की मदद करने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी एक दिन पहले ही हाथरस के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने कई पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके दुख को साझा करने की कोशिश की। उन्होंने पत्र में लिखा कि कांग्रेस पार्टी इस काम में सरकार के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया कि वो आगे बढ़कर इस काम में प्रशासन की मदद करें और पीड़ितों के परिजनों को राहत पहुंचाएं। राहुल गांधी ने अस्पताल में जाकर घायलों से भी मुलाकात की थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि 2 जुलाई को हुआ यह हादसा अव्यवस्था और क्षमता से अधिक लोगों के जुटने के कारण हुआ। इस हादसे को लेकर देश भर में रोष है और लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। लेकिन सूरजपाल सिंह जाटव और भोले बाबा, जिसे नारायण सरकार हरि के नाम से भी जाना जाता है, उन पर ना होती कोई कार्रवाई शासन और प्रशासन तंत्र से लोगों के भरोसे को कहीं ना कहीं कम कर रही है। हालांकि एक वक्त में बीजेपी के लिए मुखर शब्द रखने वाले योगी कैबिनेट में मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने के सवाल पर कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है, जांच में जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल वहीं जस का तस बना हुआ है कि बाबा के खिलाफ कब और कैसे कार्रवाई की जाएगी या केस को कोई और नया मोड़ दे दिया जाएगा, क्योंकि बाबा के वकील तो कम से कम यही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।